19 अक्टूबर 2013 मोहाली स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरा का तीसरा वनडे मैच। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए महज 12 ओवर में 76 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे। शिखर धवन, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और युवराज सिंह कब के कब क्रिकेट की पिच छोड़कर पवेलियन लौट चुके थे। भारत की नैया हिचकोले खा रही थी और फिर मैदान पर प्रकट हुआ वो खिलाड़ी जिसके मैदान पे उतरते ही चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, धोनी। लेकिन इधर धोनी ने हालत काबू में करने की कोशिशें शुरू ही की थी कि विराट कोहली भी चलते बने। लेकिन क्रिकेट के गलियारों में कहते हैं ना कि जो होनी को कर दे अनहोनी और अनहोनी को कर दे होनी, उसी का तो नाम है धोनी। धोनी ने आते ही मैच को अपने कंट्रोल में ले लिया और मैच खत्म होने पर उनका स्कोर था 139 रन नॉट आउट। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने 121 गेंदें खेली और 12 बेखौफ चौकों और 5 बेरहम छक्कों का सहारा लिया। उनकी शानदार कप्तानी पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर का खेल होते हुए 9 विकेट पर 303 रनों का बेहतरीन स्कोर खड़ा कर लिया था। ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत तो ठीक ठाक रही, लेकिन इसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब मैच एक तरफा लगने लगा। ऐसा लगा कि यह मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में, लेकिन कोई था जो आंधियों का रुख भी मोड़ देने का मादा रखता था। वो एक तूफान बनकर आया और जीत को भारत के जबड़े से छीन करके ले गया। उसके बल्ले से निकले निर्दयी चौकों और निष्ठुर छक्कों ने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। उस दिन 27 गेंदों पर खेली गई उसकी 64 रनों की पारी धोनी के 139 रनों पर भारी पड़ी थी और मैच को अपने दम पर पलट देने वाले उस खिलाड़ी का नाम था जेम्स फॉकनर। एक तेज तर्रार बल्लेबाज, शानदार गेंदबाज और चीते की फुर्ती समेटे फील्डर, यानी एक बेहतरीन ऑलराउंडर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर की। कभी वो मैच में बैट और बॉल से गदर मचाता था, तो कभी गुस्से में होटल में तोड़फोड़ कर देता था, कभी लीग बीच में ही छोड़ करके चल देता था, तो कभी शराब के नशे में चूर मिलता था, कभी सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो पोस्ट कर देता था कि सारी दुनिया उसे गे मान बैठती है। ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। जेम्स फॉकनर का जन्म 1990 में ऑस्ट्रेलिया के स्टेट तस्मानिया में हुआ था। क्रिकेट उनके खून में था। उनके पिता पीटर फॉकनर ने अपने स्टेट तस्मानिया के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली थी। यही नहीं, उन्होंने तस्मानिया की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच भी खेले थे। जब पिता के अंदर इतनी क्रिकेट थी तो बेटे में तो इसका कीड़ा होना ही था और फॉकनर के अंदर वो कीड़ा बचपन से ही कुल बुलाने लगा था। आज फॉकनर को दुनिया भले ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जानती हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉकनर अपने करियर के शुरुआती दिनों में स्पिन बॉलिंग किया करते थे। हालांकि बाद में वो टॉप स्पिनर और यॉर्कर लेंथ गोगली को स्लोअर बॉल वेरिएशन के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने तस्मानिया के लिए न केवल खेला बल्कि वो उसके कप्तान भी रहे। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें 2008 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। 2012 में शेफील्ड शील्ड के फाइनल में फॉकनर मैच के हीरो रहे। इनके खेल की बदौलत तस्मानिया ने तीसरी बार ये शील्ड जीती थी। उन्हें जल्दी अपने अच्छे खेल का इनाम भी मिला। 1 फरवरी 2013, आखिर वो दिन आ ही गया इसका इंतजार हर खिलाड़ी को होता है। उस दिन के सिर पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम की कैप थी। उन्होंने अपने हुनर को दिखाने में बहुत देर नहीं लगाई। यूं तो बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर ही टीम में सिलेक्ट किए गए थे, जिसके चलते उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नीचे ही आना पड़ता था, लेकिन अपनी काबिलियत बखूबी जानते थे। इस वीडियो की शुरुआत में हमने जिस मैच का जिक्र किया था उसमें एक बात नहीं बताई थी कि फॉकनर ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए थे बल्कि एक विकेट भी चटकाया था और एक रन आउट भी किया था, यानी एक परफेक्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। हाँ, उस इनिंग की एक और खास बात थी। उस मैच में फॉकनर ने ईशान शर्मा के एक ही ओवर में 30 रन ठोके थे, जिसमें एक चौका और 4 सनसनाती छक्के शामिल हैं। यह ऑस्ट्रेलियाई पारी का 48वां ओवर था और इसी ओवर ने मैच की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी थी। जहां इस ओवर में पहले ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 3 ओवर में 44 रन चाहिए थे, वहीं इस ओवर के बाद चाहिए थे 12 गेंदों में महज 14 रन, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3 गेंदे बाकी रहते ही हासिल कर लिया था। और इस पारी ने फॉकनर से पूरी दुनिया का परिचय करा दिया। वैसे भी इस पारी के बाद फॉकनर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की 7 मैचों की सीरीज अभी खत्म नहीं हुई थी। सीरीज का 7वां और आखिरी मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में था। वैसे तो ये मैच याद किया जाता है रोहित शर्मा के दोहरे शतक के लिए, लेकिन एक और खिलाड़ी था जिसने इस मैच को रोमांचक मोड़ तक पहुंचा दिया था। भारत ने पहले खेलते हुए 383 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। 23वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने महज 138 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन तब भी एक खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं था। वो मैदान पर आया तो लगा जैसे कोई तूफान आया। जेम्स फॉकनर आज कुछ अलग ही मूड में थे। वो आए और आते ही आते गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। आगे आने वाले 57 गेंदों में फॉकनर ने अपना पहला शतक पूरा कर लिया था। यह शतक उनके लिए बेहद खास था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका पहला मैच था, बल्कि इसलिए भी ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक था। इससे पहले रिकॉर्ड मैथ्यू हेडन के नाम था, जिन्होंने 66 गेंदों में शतक लगाया था। फॉकनर शायद इतने ही गेंदे और रुक जाते तो जरूर इतिहास रच जाते, लेकिन 116 के स्कोर पर मोहम्मद शमी की गेंद उनका विकेट ले उड़ी।
उस दिन मैच भले ही भारत ने जीता हो, लेकिन दिल तो इसी फॉकनर के जज्बे, जुनून और जिद ने जीता था। गाबा में किए गए उनके कारनामे को भला कौन भूल सकता है। 2013-14 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई वनडे सीरीज के दूसरे मैच में फॉकनर ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। असल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 301 का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 244 के स्कोर पर 9 विकेट गंवा दिए थे। अब इंग्लैंड जीत से मात्र एक विकेट दूर थी। ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए अभी भी 57 रन बनाने थे और 6 ओवर बाकी थे। हालांकि सच्चाई ये थी कि इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था, लेकिन अभी मैदान पर वो मौजूद था। उस समय ऑस्ट्रेलिया कोई भी मैच तब तक नहीं हारता था जब तक फॉकनर हाथ में बल्ला थामे पिच पर होते थे। कहावत जरूर है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन उस दिन वो गलत साबित हो गई। फॉकनर ने अकेले मोर्चा संभाल लिया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन 57 रनों में से 55 रन खुद फॉकनर ने बनाए, यानी उन्होंने अपने पार्टनर क्लिंट मैकाए को भी बचाए रखा और ताबड़तोड़ रन भी जोड़ते रहे। उस दिन फॉकनर ने 47 गेंदों में 69 रन बनाए, इसमें 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और ऑस्ट्रेलिया एक हारा हुआ मैच 3 गेंदें बाकी रहते हुए जीत गई। वैसे कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि फॉकनर ने इस मैच में 2 विकेट भी चटकाए थे, यानी एक और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। 2015 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड शुरुआत से ही लड़खड़ा गई, लेकिन रॉस टेलर और ग्रांट लियाट ने खूंटा गाड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मिलकर न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा करके ही दम लेंगे, लेकिन तभी उनके रास्ते में आ गए जेम्स फॉकनर। फॉकनर ने पहले टेलर को चलता किया, फिर लियाट को भी पवेलियन भेज दिया। हाँ, कोरे एंडरसन कुछ कर पाते इससे पहले ही उनको निपटा दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरी न्यूजीलैंड टीम 183 के स्कोर पर ही ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया इस आसान से टारगेट को महज 33 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत लिया और इस जीत के हीरो रहे जेम्स फॉकनर। उन्हें अपनी बेहतरीन बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 24 साल की उम्र में वो वर्ल्ड कप फाइनल जीत के हीरो बन बैठे। 2016 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने हैट्रिक भी ली थी। ऐसा करने वाले वो छठे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने। जेम्स फॉकनर ने 1 अक्टूबर 2017 को अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। हैरानी की बात तो ये है कि इतने शानदार हरफन मौला खिलाड़ी का करियर बमुश्किल 5 साल ही चला। इसके बाद क्रिकेट जगत का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए कहीं खो गया। हाँ, बीच में उससे जुड़ी कुछ खबरें जरूर आती रही, लेकिन वो खेल के बजाय खेल से इतर खबरों में ज्यादा रहे। जेम्स फॉकनर इंटरनेशनल क्रिकेट में भले ही न दिखते हों, लेकिन दुनिया भर की तमाम लीग्स में खेलते हुए दिख जाते हैं। 2022 की PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग्स में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड ने उन्हें उनका भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते ही फॉकनर लीग को बीच में ही छोड़कर अपने देश लौट गए थे। हालांकि फॉकनर पर भी आरोप लगे कि उन्होंने गुस्से में होटल में जमकर तोड़फोड़ भी की थी। इस पूरे विवाद के बाद PCB ने फॉकनर के उनके यहाँ भविष्य में खेलने पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। वो उस समय भी बेवजह सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने अपने 29वें बर्थडे पर सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर दी। असल में उस फोटो में वो उनकी माँ और उनका एक दोस्त नजर आ रहे थे और उन्होंने उस फोटो का कैप्शन दिया, बॉयफ्रेंड और माँ के साथ बर्थडे डिनर, 5 साल से एक साथ। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया उन्हें गे मान बैठी। हालांकि बाद में फॉकनर ने लोगों को सफाई देते हुए कहा कि लोगों ने इस फोटो का गलत मतलब निकाल दिया है। आखिर ऐसा क्या था कि जो खिलाड़ी 5 साल तक लगातार शानदार खेल दिखाता रहा और जाने की गायब हो गया, एक बार टीम से बाहर क्या हुए, फिर कभी अपनी जगह ही नहीं बना पाए। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट की माने तो फॉकनर एक विचित्र सी बीमारी से जूझ रहे हैं। असल उनके दाएं घुटने की उम्र उनकी वास्तविक उम्र से कहीं ज्यादा है। दूसरी बात जो उनके खिलाफ गई थी वो उनका एटीट्यूड। कम उम्र में मिली अपार सफलता के बाद वो सही ढंग से उसे संभाल नहीं सके, जिसका खामियाजा उन्हें टीम से बाहर होकर के चुकाना पड़ा। साल 2015 में अपने दोस्त टिम पेन की एंगेजमेंट की पार्टी मनाने के बाद वो शराब के नशे में चूर थे। इसके बावजूद वो गाड़ी लेकर निकल पड़े, रास्ते में उन्हें पुलिस ने धर दबोचा। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कुछ समय के लिए उनके खेलने पर बैन भी लगा दिया। एक सच ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाना तो आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना बेहद मुश्किल। एक खिलाड़ी की जगह लेने के लिए तमाम खिलाड़ी लाइन में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा ही फॉकनर के साथ भी हुआ। अपनी खराब फॉर्म के चलते टीम से ऐसे बाहर हुए कि फिर कभी टीम में लौट ही नहीं पाए। फॉकनर भले इंटरनेशनल क्रिकेट में ना दिखते हों, लेकिन कुछ लीग और तस्मानिया के लिए अभी खेलते रहते हैं। हालांकि उनकी चोट और हेल्थ प्रॉब्लम के चलते ये काफी सीमित हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेम्स फॉकनर एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। अगर अपने ऊपर थोड़ा संयम रखते, अपने स्टारडम को बेहतर तरीके से हैंडल करते, तो शायद ये खिलाड़ी आज भी इंटरनेशनल मैचों में खेलते हुए दिखाई देता। हां, ये जरूर है कि उन्होंने अपने छोटे से करियर में ही बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। उनका करियर लंबा नहीं, लेकिन बड़ा जरूर था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।